हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे एक ब्रिटिश केमिस्ट और फिजिस्ट था। वो एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसकी 1600 से भी ज़्यादा डिस्कवरीज और इन्वेंशंस थीं। फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ 1831 में पेश किया। इस लॉ को स्टडी करने से पहले हमें ये जानना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है। इसे समझने के लिए हम एक कॉइल कंसीडर करते हैं जो कि एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट है, और एक मैग्नेट भी कंसीडर करते हैं जो कि स्टेशनरी होगा। जब मैग्नेट स्टेशनरी होगा तो गैल्वेनोमीटर में ज़ीरो करंट शो होगा। अगर हम इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करेंगे तो गैल्वेनोमीटर एक तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा, और अगर हम मैग्नेट को दूसरी तरफ मूव करेंगे तो गैल्वेनोमीटर दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा। इस डिमॉन्स्ट्रेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैग्नेट को मूव करने से इसका फ्लक्स चेंज होगा, जिससे कॉइल में ईएमएफ और करंट पैदा हो गया, और इस ही को तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से जो कॉइल के साथ लिंक होगा तो उस कॉइल में ईएमएफ और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ की। फैराडे के मुताबिक इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल टी, जिसमें डेल फाई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है जबकि डेल टी चेंज इन टाइम और एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से हमारे पास आएगा ईएमएफ इज इक्वल टू के एन डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल टी, और के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसकी वैल्यू यहाँ 1 है। तो इससे हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल टी। लेकिन ये इक्वेशन इनकम्प्लीट है और इस में एक चीज़ की कमी है, और उसी कमी को एक और फिजिस्ट जिनका नाम लेंजेस था उन्होंने पूरा किया। लेंजेस के मुताबिक इंड्यूस करंट अपोज द चेंज के जो करंट पैदा होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज किया जाए तो इंड्यूस करंट उसे बढ़ने नहीं देगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज किया जाए तो इंड्यूस करंट उसे घटने नहीं देगा। तो इससे हमारे पास इसकी फाइनल इक्वेशन बनती है ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल टी।